जो 5 बजे तक के आंकड़े थे उसमें एक जो रिकॉर्ड था वो कायम हो गया था, वो था कि तकरीबन 55% के करीब वोट हुआ था जो 1989 में मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग बारामुल्ला में जब शुरू हुई है तब का हाईएस्ट है। और 6 बजे तक के जो परसेंटेज फिगर्स मेरे पास आए हैं आपको मैं शेयर करूंगा, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में 1967 से लोगों के ज़रिए से मेंबर पार्लियामेंट चुनना जेएनके में शुरुआत हुई है और तब से जो है ऑलमोस्ट हाईएस्ट वोट जो है बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ा है। तकरीबन 58-59% के करीब ये वोट जाता है। अभी भी कुछ एक जगह पर पोलिंग चल रही है, चाहे त्रेगाम है, हंदवारा है, इस एरियाज में कुछ एक जगह पर पोलिंग अभी भी चल रहे है। हम अभी बात कर रहे हैं उस समय भी 2019 का जो पोल परसेंटेज था काफ़ी कम था, 37.41% 2019 में हुआ था और अभी जो है 59% के करीब ऑलमोस्ट जो है उसमें 22% के करीब का जंप है। रिकॉर्ड हिस्ट्री जो है पोल परसेंटेज में आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। 2019 का जैसे मैंने कहा कि 37.41%, 2014 का 38.96%, 2009 में 41.84%, 2004 में 35.65%, 1999 में 27.79%, 1998 में 41.94%, 1996 में 46.65%, जो मतलब टर्मोइल के बाद का हाईएस्ट है 46.65% 1996 का, तो उसको जो है ऑलमोस्ट मोर देन 13% जो है रिकॉर्ड क्रॉस हो चुका है। 1991 में क्योंकि टर्मोइल के चलते जैसे दूसरे पीसीज में इलेक्शंस नहीं हुआ था वैसे कश्मीर के इन पीसी में भी इलेक्शन नहीं हो चुका था। 1989 में 5% के करीब वोट हुआ था। 1984 में जो वोट हुआ है जो अब तक के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोकसभा इलेक्शंस के लिए हाईएस्ट जो है वो तकरीबन 59% के करीब है। उससे पहले जो हुए थे 1980 में 56%, 77 में 56.97%, 71 में 50.62% एंड 67 में जो है 51.35% वोट हुआ था। अब इस बैकग्राउंड में जो आज का जो वोट हुआ है जिसके जो वोटर टर्नआउट ऐप है उस पर फिगर जो है 57.5 तक गए हैं, कुछ एक जगह पर वोटिंग चल रही है, कुछ एक जगह के अपडेटेड फिगर्स आना बाकी है, तो रफली अराउंड जो है वी विल बी टचिंग और क्रॉसिंग द 59% फिगर जो कि ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हाईएस्ट रहेगा। टर्मोइल के बाद का हाईएस्ट तो ही है, इवन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में भी हाईएस्ट ही रहने जा रहा है। तकरीबन 2103 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेकर के नॉर्मली 6 बजे तक ये पोल हुआ है और कुछ एक जगह पर जब अगर क्यू कंटिन्यूड है तो वो जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक वो पोल चलता आ रहा है और कुछ एक विलेजेस है जहां अभी भी ये चल रहा है। उस पर क्लोज निगरानी मेरे ऑफिस से कंट्रोल रूम के जरिए से की गई, सीसीटीवी कैमरास को हमने बारकाई से मॉनिटर किया और जो ग्रीवेंसेस लोग जो नॉर्मली पहले श्रीनगर के दरमियान की थी कि स्लो वोटिंग हो रही है या जो पोल पार्टीज है वो कागज़ छानने में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मेरे ऑफिस ने खुसूसन तौर पर रिमोट आई के जरिए से डिजिटल आई के जरिए से उसको देखा और ये पाया कि हमारी पोलिंग पार्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलमोस्ट हर एक जगह पर काम कर रही थी। ईवीएम का रिप्लेसमेंट रेट भी ऑलमोस्ट लोएस्ट रहा है और बाकी डिफिकल्टीज भी किसी पोलिंग स्टेशन पर गई नहीं, कोई अनटवर्ड इंसिडेंट्स या वायलेंस का कहीं से रिपोर्ट नहीं है, पीसफुल तरीके से पोल कंडक्ट होना मेरे ख्याल से अपने आप में एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है।
दो तरीके के रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, एक तो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड और दूसरा कि नो वायलेंस या जीरो वायलेंस विदाउट एनी वायलेंस पोल। तो ये दो रिकॉर्ड आज बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स ने बनाए हैं। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है तो उसमें हंदवाड़ा सबसे हाईएस्ट जाता है, तब तक जब तक ये फिगर्स मैंने लिखे थे 67.5% हंदवाड़ा में पोल परसेंटेज रहा है, उसमें कुछ एक फ्रैक्शनल बढ़ोतरी होगी। गुरेज में लोएस्ट पोल परसेंटेज गया है तकरीबन 40.82, मतलब 41% के करीब जो है गुरेज में गया है। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि वहाँ से काफ़ी लोग जो है इधर कंगन गुंड साइड में रहते हैं और फिर वो कारण हो सकता है। जहाँ तक दूसरे जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उसका पोल परसेंटेज आपको वोटर टर्नआउट ऐप में भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें कुछ एक फ्रैक्शनल चेंजेस डेफिनेटली होंगे रात 12 बजे तक, इवन कल भी हो सकते हैं कहीं अगर पोलिंग पार्टीज पहुंचने में डिफिकल्टी गई, जैसे गुरेज तुलेल की जो पोल पार्टीज बांदीपुरा पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा और उनको फिर आगे जाना है बारामूला जहां काउंटिंग होनी है, वहां पहुंचने के लिए जो है शायद कल इवनिंग भी वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो जैसे जैसे वो काउंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं उसके बाद प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है जो उसने साइंड किए हुए हैं उस हिसाब से फिर कैलकुलेशंस होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इसमें हो सकती है। करना जो है 61.5158% पोल परसेंटेज जब मैंने लिखा है तब तक गया है। त्रेगाम में ये परसेंटेज है 61.17, कुपवारा 58.90, लोला 58%, हंदवारा जो हाईएस्ट है बारामूला पीसी में 67.50, लंगेट सेकंड हाईएस्ट के तौर पर है तकरीबन 66%, सोपोर जो कभी सिंगल डिजिट से ज़्यादा नहीं जाता था, मेरे जो वहाँ के जो एआरओ है रैना साहब उन्होंने अभी मुझे एक जस्ट बहुत ही हार्टनिंग पोस्ट भेजी, उन्होंने कहा कि 4 का 44% हो गया, मतलब लास्ट 2019 में वहाँ पोल परसेंटेज 4% था जो अब 2024 में 44% हो गया है। मतलब सोपोर जो है लोएस्ट में नहीं आता है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि सोपोर में पोल परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, लोग शिरकत नहीं करते हैं, वैसा अभी देखा नहीं गया है। उसने भी जो है आपके 4% का 44%, मतलब 10 टाइम्स से ज़्यादा जो है वहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली। रफियाबाद में ये पोल परसेंटेज 57.39%, उरी 60.27%, बारामूला 59.34%, गुलमर्ग 58.50%, वागुरा करेरी 59.79%, पट्टन 59.87%, सोनवरी 64.61%, बांदीपुरा 60.24%, गुरेज जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 41% के करीब है, वीरवा 56.63, बड़गाम 51.76%। जो पोल एक्चुअल जो पोलिंग स्टेशंस है 2103 उसमें जो पोल परसेंटेज अभी जो हमने जो वोटर टर्नआउट ऐप पर डाला है 57.5 के करीब है, वो इंक्रीज होता है और तकरीबन जो है मुझे अपेक्षा है कि 59% तक जो है ये हमारा एक्चुअल पोल जाएगा। जहाँ तक माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन है 26 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए थे और माइग्रेंट के तकरीबन जो है 22,000 के करीब एलिजिबल वोटर्स थे, उसमें जो पोल परसेंटेज रहा है जम्मू में 32% के करीब रहा है, उधमपुर और दिल्ली के जो पोलिंग स्टेशन थे स्पेशल पोलिंग स्टेशन वहाँ वो 50% के करीब रहा है। इसके अलावा जो ईटीपीवीएस रहता है या वोटर फैसिलिटेशन काउंटर्स रहता है उस पर तकरीबन जो है 5,481 अब तक पोल्ड वोट्स या जो पोस्टल बैलेट के जरिए से जो रिसीव वोट्स जो है हमें मिले हैं उसमें बढ़ोतरी जो है काउंटिंग के डेट तक होती है। 8,000 से ज़्यादा सिविल पोलिंग स्टाफ और तकरीबन जो है 10,000 से ज़्यादा हमारा सीएपीएफ और पुलिस की नफरी इस आज के पोल में उन्होंने ड्यूटी को अंजाम दिया। कल मॉर्निंग में इवन इवनिंग में भी रेन था कुछ एक एरियाज में, उसके बावजूद जो है हमारी पोलिंग पार्टीज अपने टाइम पर
वहाँ पहुँची और उन्होंने जो है बहुत ही संजीदगी से कोई भी गलती किए बगैर अपनी ड्यूटी को जो है अंजाम दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि पोलिंग बढ़ने के लिए जो है अलग अलग कारण रिस्पॉन्सिबल है, मेन फैक्टर्स अगर जिसकी बात करूँ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लास्ट 4-5 ईयर्स में जो सिचुएशंस इम्प्रूव हो गई है, जिससे चलते आम आवाम यहाँ की एक नॉर्मल सी महसूस नहीं करती है, उसको जीती है, तो मेरे ख्याल से वो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है। दूसरा, उसी के चलते जो 22 कैंडिडेट थे, चाहे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूली कंस्टिट्यूटेड पॉलिटिकल पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑलमोस्ट हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में जा कर के मोबिलाइजेशन किया, अपने जो सपोर्टर थे, वर्कर्स थे, उन तक वो पहुँचे, वो भी इसके लिए कारण है ऐसे मैं मानता हूँ। जैसे मैंने कहा कि स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें कि हम वोटिंग का इम्पोर्टेंस बताते हैं और लोगों को अलग अलग जरिए से जो है अपील करते हैं कि वोटिंग करें, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वोटर्स, जिन्होंने डिसाइड किया कि अल्टीमेटली बैलेट ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक जरिया है। अमन, तरक्की और खुशहाली अगर कहीं से आ सकती है तो बैलेट के जरिए से आ सकती है। जैसे आपको लास्ट वीक में श्रीनगर में रिकॉर्ड पोल देखा गया, वैसे ही उसी तर्ज पर जो है बारामूला में भी आज रिकॉर्ड पोल परसेंटेज जो है आपको देखने को मिला। मैं लास्टली उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने जो रिसेंट कायराना हरकत एंटी नेशनल एलिमेंट्स खास करके क्रॉस बॉर्डर के जरिए से जो करने का प्रयास किया, लेकिन उसको न मानते हुए उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और ड्यूटीज़ है उसको अंजाम दिया। जो 2 दिन पहले जो हरकत हुई थी उसका कोई इम्पैक्ट जो है हमें इस पोलिंग पर देखने को नहीं मिला, उल्टा जो है लोगों ने, मुझे लगता है कि उससे ये समझ करके कि नहीं अब जो है बस हो गया, अब कतई जो है ऐसी शरारती ताकतों को वो ये नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, उसी का मैसेज मुझे लगता है इस जरिए से दिया। मैं उन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डिस्पाइट रेन और बाकी डिफिकल्टीज पोलिंग स्टेशन पर आए, सुबह से लंबी कतारें लगा करके वो खड़े थे, माताएं, बुजुर्ग, यूथ्स, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, नोमैड्स, माइग्रेंट वोटर्स, चाहे वो दिल्ली में है, उधमपुर में है, जम्मू में है, बड़े पैमाने पर अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो मेरी पोलिंग पार्टीज थी, जिसमें सिविलियन पोलिंग स्टाफ तकरीबन 8,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा CAPF और लोकल पुलिस, जिन्होंने एरिया को डोमिनेट किया, कोई भी इंसिडेंट्स होने नहीं दिया और इंसिडेंट्स फ्री जो है पीसफुल तरीके से पोल कंडक्ट किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स, ARO's, RO's और ख़ास करके जो मेरे साथ जुड़े हैं 4 डिस्ट्रिक्ट के DO's और उनके टीम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 3 बजे के बाद ईरान में जो इंसिडेंट्स हुआ और उसके बाद कुछ एक एरियाज में, खास करके कम्युनिटी जिस एरिया में रहती है उस एरिया में पीसफुल प्रोटेस्ट के रिपोर्ट्स आए, ये जो पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे हैं मैं ज़रूर इसका नोटिस लूँगा और जो भी उसमें ये है वो किया जाएगा। ये कौन से पट्टन के एरिया की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं उसमें चेक कर लूँ। शुक्रिया, थैंक यू।